Guys, welcome back to my channel, Ishwara Mehra This Side. आज आपके लिए बहुत ही heavy requested video लेकर आई हूँ. अगर आप मेरे बताए हुए सिर्फ ये 3 steps follow कर लेंगे, तो आपकी height increase हो जाएगी 101%. लेकिन आपको video को starting to end ध्यान से सुनना है और उसके बाद follow करना है. अगर आप थोड़ा सा भी बीच में skip कर देंगे, तो maybe मैं आपको कुछ ऐसे information दे रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, तो वो आपकी height increase में बाधा डाल देगी. तो बेसिकली इस पूरी वीडियो में मैं आपकी हाइट की इंक्रीज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, और बहुत ही आसान सी चीज़ें जो आप इजीली फॉलो करके अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें. मेरा अकाउंट है @ishwaramehra. तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. गाइस, फर्स्ट चीज़ जो आपने अपनी डाइट में रोज़ाना इंटेक करनी है, वो है बैम्बू का मुरब्बा. बैम्बू का मुरब्बा सोच के आपके माइंड में बहुत तरह के क्वेश्चन क्लिक कर रहे होंगे कि बैम्बू होता क्या है. बैम्बू होता है बांस. ये क्या करता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है. और जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो माइंड में होता है, जब वो एक्टिवेट होता है, तो वो आपके हाइट के हार्मोन को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपकी हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, इसमें बहुत तरह के विटामिंस, मिनरल, पोटेशियम, कॉपर और काफ़ी सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं. तो क्या किया जाता है, बाम्बू को यानी बांस की लकड़ियों को उसमें से छिल कर, उसको अच्छे से पानी में बॉईल कर, उसको चाशनी में मिलाकर उसका मुरब्बा तैयार किया जाता है, जो इजीली आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे किसी पे भी मिल जाएगा. आप सर्च करके देख सकते हैं, वो आपकी हाइट इंक्रीज को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. इसके लिए आपने लेना है 50 ग्राम बैम्बू का मुरब्बा डेली. ठीक है, एम्प्टी स्टमक आपको इसको इंटेक करना ही करना है. अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की. स्टेप नंबर 2 में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेदिक टॉनिक, जिसको आपने घर पर रेडी करना है और उसको रोज़ाना सुबह के नाश्ते के 2 घंटे बाद इंटेक करना है, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट करेगा, आपकी हाइट इंक्रीज में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल निभाएगा, और 101% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. तो वो टिप नंबर 2 है. उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है शतावरी 100 ग्राम, धागे वाली मिश्री 500 ग्राम, अश्वगंधा 400 ग्राम. ठीक है, मिश्री को जो धागे वाली लेंगे, उसको आपने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है, और इन तीनों को मिक्स करके आपको एक कांच के जार में स्टोर करके रख लेना है. इस पाउडर का आपने 1 चम्मच नॉर्मल दूध में नहीं लेना, आपने लेना है बल्कि ऊँट के दूध में, कैमल मिल्क में. कैमल मिल्क ईजिली आपको जहाँ भी आपके आसपास डायरी होगी, बहुत सारे लोग डिलीवर भी करते हैं घर पर, या आप ऑनलाइन कोई स्टोर भी देख सकते हैं इसके लिए. लेकिन मेक श्योर आप इसको नॉर्मल दूध में ना लें, क्योंकि नॉर्मल दूध में ये आपकी हाइट के लिए सिर्फ 20-30% इफेक्ट करेगा. लेकिन अगर आप इसको ऊँटनी के दूध यानी कैमल के दूध में लेंगे, तो ये आपकी हाइट इंक्रीज में 101% आपको विजिबल रिजल्ट देगा. क्योंकि ऊँटनी के दूध में जब हम उसको इंटेक करते हैं इन सारी चीज़ों को, तो ये आपकी इंटरनल वीकनेस को भी दूर करता है, आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ में आपकी हाइट इंक्रीज में अपना 101% रोल निभाता ही निभाता है. तो आपको इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना है. अब बारी आती है हमारे लास्ट स्टेप की, जिसमें हम फॉलो करने वाले हैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जो आपको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करनी है सुबह उठने के बाद, जो आपकी हाइट इंक्रीज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. तो चलिए देखते हैं उनको, एंजॉय करते हैं, फॉलो करते हैं, और बस आपको इससे क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करना. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ. इस एक्सरसाइज के लिए आपको बिल्कुल रिलैक्स पोजिशन में बैठ जाना है. ठीक है, इस तरीके से आप आलती पालती मार लीजिए. ठीक है, आप चाहें तो उसको खाना खाने के बाद भी फॉलो कर सकते हैं. प्लीज़ मेक श्योर जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपने अपने जितने भी गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सबको दूर रखना है, किसी का भी साउंड ना आए, और आपने बिल्कुल स्ट्रेट अपनी कमर को रखते हुए, अपने पेट को स्क्वीज करते हुए, कमर को स्ट्रेट रखते हुए दोनों हैंड्स को आप यहाँ पे प्लेस करें, और जो बिल्कुल आपने केंद्र बिंदु है वो आपने यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है. आपके दिमाग में जितने भी ख्याल आ रहे हैं उनको बाहर निकालते हुए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें एक टक अपनी नज़र टिकाने का, अपने माइंड का कॉन्सेंट्रेशन करना है. ये अगर आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और जैसा मैंने आपको बताया, ये आपके माइंड में होता है, जो आपके हाइट इंक्रीज हार्मोन को एक्टिवेट करता है, रिलीज करता है. इससे आपकी हाइट इंक्रीज होती है, इसका डिस्कशन आयुर्वेद में भी किया गया है. तो चलिए इसको हम फॉलो करते हैं.
लिए अपनी आईज ओपन करिए और इस प्रोसेस को कम से कम आपने 20 दफा करना ही करना है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की तरफ। नेक्स्ट हम करने वाले हैं योगासन, जो आपकी बिल्कुल ब्रीथ की हड्डी को सीधा करेगा और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है, आपकी हाइट की इंक्रीज में हेल्प करता है। तो चलिए इसको कैसे फॉलो करना है, सेम एज इट इज मुझे देखकर फॉलो करिए और आपने इसकी रिपीटेशन एटलीस्ट 10 से 20 टाइम्स करना ही करना है। तो मेक श्योर जो भी पेरेंट्स अब ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को ज़रूर ये एक्सरसाइजेस करवाएं। अगर आपका बच्चा 5 साल का भी हो चुका है ना, तो भी उसको अभी से हैबिट डाल दो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और अभी से उसके हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। पीठ के बल लेट जाइए, देन अपने लेग्स को ऊपर स्ट्रेच करते हुए अपनी बैक मसल को इस तरीके से आपने लॉक करना है, अपनी कोहनियों पर आ जाना है और अपनी हाथों से अपनी कमर को सपोर्ट देते हुए अपनी लेग्स को इस तरीके से ऊपर होल्ड करना है। ये आपके माइंड को भी शार्प करता है। ऐसा ही कम से कम आपको 10 से 20 बार करना है। तो चलिए मैं आपको दोबारा इस प्रोसेस को फॉलो करके दिखाती हूँ। तो मेक श्योर आप इसको 10 से 20 टाइम्स डेली रिपीट करें, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा, आपकी लेग्स डगमगाएंगी, लेकिन मेक श्योर जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर फॉलो करेंगे, तो आपके अंदर परफेक्शन भी आ जाएगी। नेक्स्ट योगासन के लिए आपको हैंड को इस तरीके से अपने हेड के पास प्लेस करना है और अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है, ठीक है, जितना मैक्सिमम आप कर सकें। नेक्स्ट आसन के लिए आपको अपनी पूरी लेग्स को बैक साइड पे लेके जाना है, जितना मैक्सिमम लेके जाएं। अगर होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी मैं आपको योगासन बता रही हूँ, ये बेहद अच्छे हैं आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, आपके लिए, ये आपके माइंड से स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं, माइंड को शार्प करते हैं, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और स्पेशली हाइट के लिए, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को ये स्ट्रेचिंग देते हैं। यह आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे कि आपके हाइट के हार्मोन जो होते हैं वो ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट योगासन करते हैं। रिलैक्स। तो आपको इसको, इस योगासन को, या जो भी मैंने आपको योगासन बताए हैं, कम से कम आपको 5 से 6 दफा इनको रिपीट करना ही करना है डेली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये योगासन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आसन के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है, राइट। उसके बाद में अपने हमें टोस पर आ जाना है और अपनी पूरी बॉडी को इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और कम से कम इस पोजिशन को हमें 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। और मेक श्योर जब आप अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे, मतलब अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, तो आपके पैरों के बीच में इतना गैप नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम गैप होना चाहिए। देन उसके बाद आपको अपने आप को बैलेंस करना है। बैलेंस का भी एक टेक्निक होता है, बैलेंस के लिए आप एक तक किसी पर भी नज़र टिका लें, आप किसी वॉल पर देख सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट पर देख सकते हैं,
जब आप उस पॉइंट पर देखेंगे तो मेक श्योर आपको खुद से लगने लगेगा कि आपने 30 सेकंड फटाफट निकाल दिए, लेकिन अगर आपका डाइवर्जन होता रहेगा आईज का तो आपका जो पोजीशन है वो कभी भी डगमगा सकता है और आप उस पोजीशन को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे। इस प्रोसेस को कम से कम आपने 10 से 20 दफ़ा रिपीट करना है। ये बहुत ही अच्छा होता है आपकी हाइट इंक्रीज के लिए। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा हाइट इंक्रीज को लेकर वीडियो बेहद पसंद आया होगा। और ये वीडियो डेडिकेटेड होता है सुनील जी को वाराणसी से, जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था मुझे मेल कर कि हाइट इंक्रीज पर वीडियो लेकर आएँ, जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपके कहने पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो प्लीज़ अपना सिटी नेम विद योर नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अपने से रिलेटेड कोई भी टॉपिक मुझे बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।